चंद अच्छी खबरें भी इस पूरी सूरत हाल में सामने आ रही हैं। गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के साथ सोलर पैनल की जो सेल है उसमें भी, चूंकि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है तो उसके सेल में भी इजाफा हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसकी कीमत अब कम होने लगी है, बल्कि हो चुकी है, और बड़ी कमी कीमतों में सामने आई है। 7 KV का जो सोलर पैनल है उसकी कीमत में 1 लाख रुपये की कमी हुई है, जबकि 12 KV और 15 KV के जो सोलर पैनल्स हैं उन पूरे सिस्टम्स में 2-2 लाख रुपये की कमी सामने आई है। पाकिस्तान में आमतौर पर यह बड़ा कम होता है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत को नीचे लाया जा सके, कम हो सके। अब इसकी क्या वजूहत हैं और मुस्तकबिल में ये कितनी ज़्यादा कम हो सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शाफ महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शाफ साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो ये बताइएगा इस कमी की वजूहत हैं क्या, चूंकि आमतौर पर हम पाकिस्तान में तो कीमतों को रिवर्स होते या कम होते नहीं देखते। जी, इसमें कीमतें कम इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं ये इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, और आपने देखा है कि जी कुछ दिनों से जो है वो डॉलर भी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है रुपी के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से जो है वो इंटरनेशनली प्राइस जो है वो सोलर पैनल्स की पाकिस्तान में गिरी है। सेकेंडली, जो बैक एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं 80% जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना में आती है, तो चाइना के अंदर जो है वो प्राइसेस जो है वो सोलर पैनल्स के काफ़ी गिरे हैं। उसकी वजह ये है कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है वो डिमांड पिछले साल जो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है, और काफ़ी चाइनीज प्रोडक्ट्स के स्टॉक पाइल्स जो है वो क्रिएट हुए हुए हैं, और उसकी वजह से जो वो चाइनीज सप्लायर्स ने प्राइसेस जो है वो काफ़ी गिरा दी हैं, और इस रिडक्शन इन प्राइसेस का बेनिफिट जो सब जाहिर है पिछले 2 साल में एनर्जी टैरिफ्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बिजली बहुत महंगी हुई है, तो सोलर पैनल के इस्तेमाल का रुझान कितना बढ़ा है, यानी पिछले 2 साल में कितने फीसद लोग इस जानेब आए? देखिए, अगर मैं 2 साल पहले के स्टेटिस्टिक्स देखता हूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 2.5 गीगावाट जो है वो सोलर पैनल्स जो है वो इंपोर्ट हुए थे। अच्छा। अगर मैं पिछले साल की फिगर्स देखूँ तो 4 गीगावाट पे आ गए, तो दैट्स ऑलमोस्ट मोर देन समझ लीजिए 60% इंक्रीज। तो इस साल जो है वो नज़र आ रहा है कि ये फिगर और चढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि एक तो प्राइसेस गिर गई हैं, और सेकेंड यानी कि इक्विपमेंट की, और सेकेंडली जो है वो अगर बिजली की प्राइसेस बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ दी IMF कंडीशनैलिटीज, तो काफी जो है लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसको इस्तेमाल करने की तरफ आ रहे हैं, चूंकि बिजली के बिल से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो जरा ये एक टेक्निकल पॉइंट पर रोशनी डालिएगा कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने पूरा सिस्टम पैनल खरीद लिया, लगा लिया, और उसके बाद आपका बिजली के बिल से मुस्तकिल पीछा छूट जाएगा? जी बिल्कुल, सोलर सिस्टम्स की जो लाइफ होती है वो जनरली 25 ईयर्स होती है। अच्छा। उसके अंदर सोलर पैनल्स होती हैं, कुछ तारे होती हैं, एक इन्वर्टर होता है, और इन्वर्टर जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जी मैन फंक्शन कर सकती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 10% ऑफ द सिस्टम कॉस्ट। तो अगर आप वो भी फैक्टर इन कर दें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो आइटम्स की बहुत कम होती है, तो इफेक्टिवली वन टाइम कॉस्ट ही है। तो शायद पिछले 2 साल में जिस तरह से बहुत ज़्यादा इसकी सेल में इजाफा हुआ है, तो ये अगले 2 साल में आप इसको कहाँ जाता देख रहे हैं, यानी लोगों का रुझान मजीद इस तरफ आएगा, चूँकि ज़ाहिर है कीमत तो बिजली की और बढ़नी है मुस्तकबिल में भी? जी बिल्कुल, डिमांड बढ़ेगी इंटरनेशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस 2028 तक जो है वो कांस्टेंट रहेंगी एट द लेवल्स जो फोरकास्ट आए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। पाकिस्तान के अंदर अगर ये लो प्राइसेस रहती हैं, और जैसे मैंने जिक्र किया कि जी बिजली महंगी होती जा रही है, अगर आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो कंपेटिटिवनेस अगर इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अचीव करनी है, दे नीड चीप इनपुट ऑफ पावर, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर ये सोलर नहीं लगाते। तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड एस्केलेट होते हुए नजर आ रही है, और डोमेस्टिक यूजर्स जो है वो महंगे बिजली के बिल्स देने से कतरा रहे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जी देयर इज गोना बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिमांड, एंड आई थिंक अगले 2 साल तो 3 साल तक तो बूम नजर आएगा। जब भी कोई डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है, शॉर्टेज भी हो जाती है, प्रोडक्ट्स मार्केट से गायब होना शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा मामला नहीं होगा, चूंकि आप बता चुके हैं कि 2028 तक प्राइस तो नहीं बढ़ने वाली इसकी? देखें, ये जो प्राइसेस है ना, ये डिक्टेट हो रही है थ्रू इंटरनेशनल सप्लायर्स, लोकल मार्केट से ये डिक्टेट नहीं हो रही। लोकल मार्केट से ये तब डिक्टेट होती है अगर इधर इंपोर्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन अगेन IMF की कंडीशनलिटी ये है कि जी इंपोर्ट्स खोले जाएं, तो इवन दो कुछ सेक्टर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सोलर के अंदर जो है वो काफ़ी इंपोर्ट्स हो रही हैं पहले इंपोर्टर्स हैं, तो सप्लाई यहाँ पे रेडली आती रहती है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड हैं एज अपोज टू डोमेस्टिकली। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये प्राइसेस जो है वो रीजनेबल रहनी चाहिए, अनलेस हमारे यहाँ जो है वो डॉलर एस्केलेट कर जाए, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अदरवाइज ये रीजनेबल रहनी चाहिए, और इससे डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। सर, अगर हम इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोकल लेवल पर इस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई काम हो रहा है, कोई रिसर्च हो रही है, गवर्नमेंट की जानिब कोई तवज्जो है, फोकस है गवर्नमेंट का कि पाकिस्तान अपने सोलर पैनल्स बनाए?
मुझे ये पता है कि जी गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिवाइजेशन करना चाह रहा है क्या कहते हैं कि सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो कोई टैक्स हॉलीडेज और टैक्स ब्रेक्स देखने के मूड में है, तो इसके ऊपर मुझे पता है कि ये फीजिबिलिटी स्टेज पे काम हो रहा है लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो जाए। मौजूद थे और कह रहे थे कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, 2028 तक सोलर पैनल की कीमत नहीं बढ़ने वाली और अब बहुत ज्यादा लोगों का रुझान इस जानिब आता जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।